कुछ इस तरह आएगा फाइनल लुक, इस तरह लुक दिखेगा। और प्लांट अभी इस तरह है, लेकिन जब मैं इसको रिपोर्ट करूँगा तो न्यू पॉट में, तो प्लांट का जो लुक है कुछ इस तरह आएगा। इस तरह आने से इसका जो लुक है पूरा का। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो स्पेशली है सोहिन के ऊपर। और मेरा जो लास्ट वीडियो था वो था मामी बॉन्साई के ऊपर। आपने देखा था जो कैसे मामी बॉन्साई करना है, और मामी वंश का जो साइज़ होता है वो 6 इंच के आसपास होता है। लेकिन जो सोहिन है, जो मामी बॉन्साई, उनके थोड़ा सा बड़े साइज़ का होता है सोहिन बॉन्साई। आप देख सकते एक अंडरटेनिंग सोहिन मटेरियल है, इसका नाम है सविनिया जफेनिका, बहुत ही रेयर प्लांट है। और मैं आज दिखाऊंगा कि कैसे सोहिन बॉन्साई किया जाता है, और सोहिन बॉन्साई का जो परफेक्ट डेफिनेशन है वो क्या होता है। सोहिन बॉन्साई का जो साइज़ होता है वो तकरीबन 8 इंच के आसपास होता है, मतलब कि जो सोहिन है उसका जो आकार है आपको 8 इंच के आसपास उसका आकार आपको करना है, मतलब कि एक अंडरटेनिंग सोहिन बॉन्साई है। और इस तरह बॉन्साई जो मामे बॉन्साई है उनसे थोड़ा सा बड़े होता है। मामे का जो साइज़ था वो तकरीबन 6 इंच के आसपास होता है, तकरीबन 6 इंच के आसपास ही है, और सोहिन उससे थोड़ा बड़े होता है, जो कि एक मामे से थोड़ा सा बड़े होता है। और ये भी सोहिन भी सिंगल हैंडेड बॉन्साई है, मतलब कि आप एक ही हाथ से इसको पकड़ सकते हैं। हालांकि फाइनल रिपोर्ट मेरा नहीं है, एक ट्रेनिंग पॉट है, और आगे जाके मैं इसको रिपोर्ट करूंगा, और ये जो प्लांट है एक बॉन्साई पॉट में दूंगा। आगे जाके मैं इस प्लांट को इस तरह का जो पॉट्स है, शैलो पॉट है, मैं उसमें दूंगा। और इस तरह सोहिन बॉन्साई का जो डेफिनेशन है वो है आपको इस प्लांट को 8 इंच के आसपास रखना है। इसी तरह मैंने और भी एक प्लांट को ट्रेन करना शुरू किए थे, जो कि है टमारिंड बॉन्साई। आप देख सकते हैं, इसका भी मैं आपको एज ए प्रैक्टिकल वीडियो दिखाऊंगा कि कैसे आपको सोहिन बॉन्साई करना है। 4 साल पहले मैंने इस प्लांट को काम शुरू किया था, और 4 साल के बाद मुझे इस प्लांट का ऐसा लुक मिला है। तो मैं दिखाऊँगा कि इस तरह जो सोहिन है उसका काम कैसे आपको करना है, और आगे जाके आप घर में चाहे तो इस तरह जो प्लांट है आप शुरू कर सकते। फ्रेंड्स, आप देख सकते जो टमारिंड प्लांट, जो कि 2019 में मुझे मिला था, मेरे एक दोस्त था, वो मुझे प्लांट गिफ्ट किए थे। तकरीबन 80 रुपये से इस प्लांट को उन्होंने नर्सरी से ख़रीदा था, क्योंकि मैं बॉन्साई करता था तो मुझे ये प्लांट उन्होंने गिफ्ट किए थे। तब एक ब्रोकन प्लांट था, एक्चुअली ये नर्सरी का अनसोल्ड प्लांट था, जो कि एक ब्रोकन था रेगुलर प्लांट से, तो उसी ने वो उस ब्रोकन प्लांट को मुझे दिया था। और मैंने तब जब देखा प्लांट को, मुझे लगा कि इसका फ्यूचर में जाके मैं इसको बॉन्साई बनाऊँगा, तो मैं उस प्लांट को लिया। और तब से 2019 से आज 2023 है तो मैंने काम शुरू किया, और मुझे काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला है। पूरा 4 साल का आपको इसमें आपको ग्रेजुअल वीडियो मिलेगा। ऐसा नहीं कि वीडियो को वायरल करने के लिए मैंने किसी दूसरा प्लांट को चेंज किया है, आपको इसी प्लांट का इस वीडियो में ग्रो होता नज़र आएगा, हर स्टेप आपको देखने को मिलेगा। इस तरह जब छोटे प्लांट आपको नर्सरी से मिले तो आपको फीडिंग करना है, और एक बिग पॉट में प्लांट को देना है, ताकि इसका जो ग्रो है, जो ग्रोथ रेट है ज़्यादा हो, और इसमें जो ब्रांचेस है, ब्रांचेस का जो टेपरिंग हो बहुत जल्द हो। तो मैं जब इस प्लांट को रखा, तकरीबन 1 साल तक मैंने आप जब मुझे प्लांट मिला था उसके 1 साल बाद इस प्लांट का इस तरह लुक आया था। और 1 साल बाद जब मैंने इसको फर्स्ट वायरिंग की थे, उसके पहले मैंने इसका पूरा साल तक इसमें फीडिंग किए है। तकरीबन 45 से लेकर 2 महीने का अंतर अंतर मैंने इसमें फीडिंग की है, जैसे कि बोन मील, मस्टर्ड केक, नीम केक और सुपर फॉस्फेट, दोनों का मिक्सचर बना के मैंने फीडिंग करता हूँ हर 60 दिन का अंतर अंतर। अगर कोशिश करीजिएगा 45 डेज से लेकर 60 डेज का अंतर आपको इसमें फीडिंग करना है। अगर आपके पास लैंड है, जगह है, ज़मीन है, तो आप लैंड में जगह इसको लगा के भी आप इसको ट्रेन कर सकते हैं। लैंड में लगाने से क्या होगा, आपका बॉन्साई जल्दी बनेगा। मेरे पास लैंड नहीं था, इसलिए मैंने बिग पॉट में देके इसको ग्रो किया। उसके बाद प्लांट का जब ब्रांचेस थोड़ा सा नरम हो, उस टाइम ब्रांच का आपको पहले से एक अनुमान लगाना है कि आपको किस तरह इसको बॉन्साई बनाना है। तो मैंने जो पहला लुक आपने देखा बॉन्साई का, मैंने पहले ही ठीक कर लिए थे कि मुझे उसी तरह इसका बॉन्साई करना है। तब जाके मैंने उसमें वायरिंग शुरू किए थे और बाकी का काम आहिस्ता आहिस्ता शुरू किए थे। तो फ्रेंड्स, इस तरह आपको वायरिंग कर लेना है इनिशियल स्टेज में। और इसमें क्या है, आपको फर्टिलाइज़र आपको ऐड करना है हर 2 महीने के अंतर में। मैं कोशिश करता हूँ कि हर 45 डेज से लेके 60 डेज के अंतर अंतर में इसमें फर्टिलाइज़र ऐड करूँ। जैसे इस तरह ग्रोइंग स्टेज में मैं तकरीबन 4 तरह का फर्टिलाइज़र मिक्सर में यूज़ करता हूँ, जो कि है आपका बोन मील, मास्टर्ड केक,
नीम केक एंड सुपर फॉस्फेट, जो कि बहुत ही एक बढ़िया इसमें ग्रोइंग फर्टिलाइजर है फॉर इस तरह का पीनियल प्लांट के लिए। आप देख सकते हैं उसी प्लांट का तकरीबन आपका thank you.
फ्रेंड्स, तकरीबन 4 साल पहले मैंने इस जो टामाइन बॉन्साई है इसके ऊपर काम शुरू किया था और इसमें वायरिंग किया था। वायरिंग 2-3 बार मैंने इसे वायरिंग कर चुका हूँ और 2-3 बार वायरिंग में रिव्यू भी कर फ्रेंड्स जब मैंने इस प्लांट को कलेक्ट किया था तो एक ब्रोकन प्लांट था। मैं नर्सरी जाकर अक्सर खोजता हूँ कौन सा प्लांट ओल्डेस्ट प्लांट है, कैसा पुराना प्लांट है, जिस तरह का प्लांट का स्ट्रक्चर ख़राब हो चुका है, उस तरह प्लांट जो है बॉन्साई के लिए बहुत ही आपका एज ए बॉन्साई मटेरियल बहुत ही काम का होता है। और 4 साल के बाद मुझे लगता है कि मेरा जो इंटेंशन था काफ़ी हद तक सही था और प्लांट का जो स्ट्रक्चर है काफ़ी हद तक अच्छा हो चुका है। लेकिन प्रूनिंग करने के बाद ही आपको पता चलेगा कि प्लांट का जो असली लुक कैसा है। तो मैं अभी इस प्लांट को प्रूनिंग शुरू करूँगा। जैसे इस ब्रांच को देख सकते हैं, ये फ्रंट व्यू को बहुत इसको जो फ्रंट व्यू है प्लांट का उसको ख़राब कर रहा है। तो पहला जो काम है मेरा जो इस तरह जो अनवांटेड ब्रांचेस उसको मैं रिमूव करूँगा। तो फ्रेंड्स के जो फाइनल लुक है कुछ इस तरह आ चुके हैं। इसमें बहुत सारा और भी फिनिशिंग देना बाकी है और नेक्स्ट वीडियो में मैं दिखाऊंगा कि इसको कैसे रिपोर्ट करना है और इसके लिए जो स्पेशल पॉट मैंने सेलेक्ट की है उस पॉट को भी मैं आपके सामने पेश करूंगा और दिखाऊंगा कि इस तरह प्लांट को कैसे रिपोर्ट करना है। और मेरा जो इंटेंशन था प्लांट का जो जब मैंने शुरू किए थे उसके बराबर मैंने आगे गया मुझे लगता है और मुझे काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मिले हैं। आप चाहे तो जो इसका जो बिगिनिंग का वीडियो है आप देख सकते हैं और मैंने इससे प्लान काफ़ी हद तक इसका जो लुक है पा चुका है। अगर आपका जो राय है आप कमेंट बॉक्स में दीजिए।
मुझे और क्या क्या इसमें इम्प्रूव करना है, तो मैं आगे जाके इसका और भी सुधार करूँगा और आपके साथ मेरा जो नॉलेज है जो भी है मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो फ्रेंड्स, जो आज का वीडियो है यही तक, और मैं आगे जाके इसका जो रिपोर्ट करने का वीडियो है मैं लेके बहुत जल्द आऊँगा और इसका नया अपडेट भी दूँगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा कॉमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और इस तरह मुझे और भी पहुँचाई करने का मौका मिले इसके लिए आपका जो सजेशन है कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर आप लोग दीजिएगा। तो नमस्कार फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ।